आपको दिखाऊंगा कि जो रीवा से जाने वाली रास्ता है कि डायरेक्ट जैसे पहाड़ से नहीं जाएगी, ये पहाड़ से इस तरफ से जाती हैं। अभी अब चल दिए घर साइड, तो घर साइड चलते हैं तो आपको अच्छा अच्छा रिव्यू दिखाऊंगा। ब्लॉक में कंटिन्यू बने रहें। ये यहाँ का बाज़ार है, ये माता रानी का मंदिर। आइए और दिखाता हूँ आपको। समय तो नाश्ता बस फुल हुआ था। यहाँ की खेती और हरियाली बहुत ही प्यारी व्यू दिखता है। तो ये पानी गिरने लगा, अभी तो हल्का ही पानी गिर रहा है, पता नहीं आगे और ज़्यादा ना गिरता हो। फाइनली यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पानी गिरने लगा। और ये सौर ऊर्जा का प्लांट पूरा है। ये पहाड़ से अंदर से रोड बनी है, इसको अभी आपको फुल रिव्यू दिखाऊंगा, लोग भी बने रहें। ये यहाँ कितना नीचे है पहाड़ का। ये आपको दिखाऊंगा कि जो रीवा से जाने वाली रास्ता है कि डायरेक्ट जैसे पहाड़ से नहीं जाएगी, ये पहाड़ से इस तरफ से जाती हैं अभी बाइक वगैरह गाड़ी जितना भी है। तो अब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, अंदर से घुसेंगे तो जहाँ ये आधा घंटा एक घंटा जाने को लगता है तो वहाँ डायरेक्ट ही चले जाएंगे 10 मिनट में। आइए आपको दिखाता हूँ। और ये रहने का व्यवस्था, ये यहाँ से जाएगा पूरा, बिजली वगैरह पूरा फिटिंग है। ये बहुत ही खतरनाक बना, इतना ही खतरनाक दिखता है, बैक कैमरे से दिखाऊंगा। ये क्या लिखा है, यहाँ अंधेरा है। यहाँ से निकलेगा बहुत ही खतरनाक। हम लोग यहाँ देखे, अब यहाँ देख कर जा रहे हैं घर साइड, क्योंकि शाम टाइम होने लगा, अभी कुछ ही समय में अंधेरा हो जाएगा। गाड़ी तो वहाँ खड़ी थी। सिर्फ व्यू देखने में ऐसे दिखता है। और ये अभी बस वगैरह यहाँ से जाती हैं। तो अब हम लोग घर के लिए चल दिए। यहाँ कितनी प्यारी हरियाली और पहाड़ का व्यू, बहुत ही खूबसूरत। और ये सोन नदी है, वो तो पहले की पुलिया है जो दिख रही है, तो अभी पानी तो इसमें कम है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बाय।